हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी वेल न्यूज है फ्रेंड्स। देखिए एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी लोग जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं इसकी, प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप कीजिए आप। इसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप जानेंगे कुछ चीज़ें इसके बारे में फ्रेंड्स। देखिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन फ्रेंड्स एसएससी, जिसके खिलाफ अभी आप सब लोग देख रहे हैं दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो सीपीओ पोस्ट होती है फ्रेंड्स, ये एसआई की पोस्ट होती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, जितने भी पैरा मिलिट्रीज हैं इंडिया के अंतर्गत उसमें और दिल्ली पुलिस में सेलेक्शन आपका होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 3 तारीख को देखिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। जो इसका पेपर, इसमें 2 पेपर होता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा और मेन्स परीक्षा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो डेट दिखाया एसएससी ने वो दिखाया 4 जून से लेकर 10 जून तक चलेगी, ऑनलाइन होगा ये, ठीक है। सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो होता है मेंस होता है फ्रेंड्स, 200 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है फ्रेंड्स, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में मैं बात करूँ तो 4 पोर्शन होते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस का, ठीक है फ्रेंड्स। 50-50 नंबर के चारों पोर्शन आते हैं, ठीक है। अब बात की जाए फ्रेंड्स, देखिए जो इसको भरने की लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखेंगे आप, 2 अप्रैल तक है, ठीक है। 2 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस किस के लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ग्रुप बी की पोस्ट है फ्रेंड्स, नॉन गैजेटेड, और जो लेवल 6 है इसका देखिए 35,000 से लेकर इतने का सैलरी स्केल है इसमें। दिल्ली पुलिस में देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, और एएसआई की भी इसमें वैकेंसी है फ्रेंड्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, ठीक है। अब देखिए दिल्ली पुलिस में जो इसकी वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए है जितनी भी वैकेंसी। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं अभी इसके नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए बाकी वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में। अभी सीआईएसएफ में देखिए भी एक वैकेंसी को इसने डिक्लेरेशन नहीं दिया है फ्रेंड्स, जल्दी वैकेंसी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। बाकी सभी में देखिए बीएसएफ में काफ़ी पोस्ट हैं, आप बीएसएफ भी चूज कर सकते हैं। देखिए बाकी जो एएसआई की पोस्ट हैं, जो भी एसआई की पोस्ट हैं उसमें चाहिए फ्रेंड्स ग्रेजुएशन। एएसआई में मे भी डिप्लोमा वगैरह मांग सकता हो, ठीक है। जो नॉन ग्रेजुएट पर्सन है वो भी भर सकते हैं। दूसरी बात में जो इसमें एज है फ्रेंड्स, एज का मैं आपको बताता हूँ, 18 से 25 है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सबको रिलैक्सेशन दिया जाएगा फ्रेंड्स एज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी थोड़ी कुछ चीज़ें और है इसमें, जान लीजिए आप। जैसे बताऊँ मैं आपको, पीईटी एग्ज़ाम होता है इसमें, ठीक है। देखिए आप एसआई बन रहे हैं फोर्सेज में तो पीईटी एग्ज़ाम तो आपका कंपलसरी हो जाता है फ्रेंड्स। और फीस की बात करें तो फ्रेंड्स मात्र 100 रुपये फीस है, ठीक है। और पीईटी में देख लीजिए, और ये सेंटर जो भी आप चूज़ करना चाहिए, एनआरके सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये उत्तराखंड वालों के लिए भी काफ़ी सेंटर, इसमें हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। तो भर लीजिएगा इसको, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फ्रेंड। आप देख लीजिए ये जो इसका पैटर्न है फ्रेंड्स, देखिए पार्ट वन जो पहला पेपर मैंने आपको बताया, 2 घंटे का पेपर होगा। रीजनिंग आएगी 50 की आएगी जनरल अवेयरनेस जीएस, और 50 की आएगी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, और 50 की आएगी इंग्लिश आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसको क्वालिफाई करेंगे सेकंड पेपर के लिए करेंगे क्वालिफाई, तो सेकंड पेपर 200 नंबर का होता है फ्रेंड्स, 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें केवल इंग्लिश का पोर्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जान लेंगे, देखिए पीईटी भी जानना जरूरी है हमारे लिए। फिजिकल जो स्टैंडर्ड है क्या क्या रखा गया फ्रेंड, देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 170, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 157, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको बॉर्डर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या हिल सर्टिफिकेट है तो, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, देखिए मैं बताता हूँ, फिजिकल जो एंडुलेंस टेस्ट होता है पीईटी, उसमें 100 मीटर की दौड़ है आपकी 16 सेकेंड की, और फिर उसके बाद 1600 मीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर, हाई जंप है 1.2 मीटर, और शॉर्ट पुट है 16 LBS दिया है इसने, देखिए 16 पौंड, LBS का मतलब होता है पौंड, तो 16 पौंड की वस्तु को आपने 4.5 मीटर फेंकना है फ्रेंड्स, ठीक है। गोला फेंक, चक्का फेंक आपको याद होगा, लगभग ये होता है 6.5 किलो के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को प्लीज़ आप सब लोग भर लीजिएगा, जो भी इसमें एलिजिबल है फ्रेंड्स। लास्ट इसमें फाइनल मेडिकल होता है फ्रेंड्स, और पिछली बार की मैं बात करूँ काफ़ी कम इसकी मेरिट गई थी। अगर देखिए आप लोग इसको फिल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मैथ्स, एडवांस मैथ और एडवांस इंग्लिश की जो लेक्चर हैं वो भी हम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। पहले आपका रिस्पॉन्स देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग ही ये करा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अभी भी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है एसएससी में, सीजीएल आएगा फ्रेंड्स, अभी रेलवे का फॉर्म सभी लोग भर ले फ्रेंड्स। उत्तराखंड के भी कुछ फॉर्म निकलने की संभावना है, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। तब तक आप तैयारी करते रहिए, कनिष्ठ सहायक और जो भी एग्जाम पुराने जो फॉर्म फिलअप किए थे उनकी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।